शांति कवि और उसकी कृति में मित्रों आपका स्वागत है आज हम फिर एक बार एक ऐसी कविता लेकर आपके समक्ष आ रहे हैं उससे पहले कुछ मैं अपनी चंद लाइनें कहना चाहती हूं हवा चुरा के ले गई मेरी गजलों की किताब को और आसमां पढ़ के रो रहा है ना समझ जमाना खुश है कि बारिश हो रही है वाह बहुत अच्छे कहते हैं कि इसी ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे दिल से निकलती है शायद मैंने भी कहीं ना कहीं कुछ समझ सोच के ये कुछ एक शायरी बनाई थी आज हमारे इसी तरह से इसी से ही मिलती जुलती एक कविता ऐसी है मैं मुझे मिल गया में से गगन से लग गई लगन अगर हम दिल से मन से कोई भी काम करते हैं तो वो हमेशा सफलतापूर्वक होता है लेकिन आधा अधूरा काम, आधा अधूरे मन से किया जाए तो वो कभी सफलता को हासिल नहीं होता है गगन से लग गई लगन में आज व्यास ने क्या ऐसी बात कही है? आइए बात करते हैं राजेंद्र गोपाल व्यास से व्यास जी आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद मैंने अभी एक शायरी कही जिसे शायद आप मुक्तक कहते होंगे शायद आपने सुना सुना गौर से सुना बहुत अच्छा लगा जी आपको इस जो मैंने चार शब्दों में शायरी कही आपको क्या लगा कि इस, शायरी में आपको ऐसा मुझे तो लगा कि मेरे गीत जो मैं अभी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया आपने जी मुझे लगा कि रनवे आपने पूरा कर दिया और मेरा गीत फ्लाइट के लिए तैयार है <laughs> जी जी, जी आज बहुत आपकी जी थैंक बहुत अच्छा लगा हवाएं अच्छा जिसकी शायरी को उड़ा लेती हो और आसमान जिसको पढ़ने लगता हो और लोग समझते हैं कि तो बारिश हो रही है <laughs> <laughs> क्या इंटरेक्शन दिखाया बहुत अच्छे भाई बधाई आपको आज आपकी अच्छा। कविता है गगन से लग गई लगन जी ये गगन से लग गई लगन मतलब आप किसी सफलता को पाना चाहते थे उसी के पीछे जाना चाहते थे या कुछ और इसमें अलग बात आपने कही वैसे लौकिक अर्थों में तो आपको लगेगा कि किसी अच्छे उद्देश्य की ओर मेरी यात्रा शुरू हो गई है जी जी, जी. जिंदगी के एक बहुत लंबे पड़ाव में वैसे ये एक स्पिरिचुअलिटी का गीत है जब हम इसकी व्याख्या करेंगे या इसको मैं जब गा के पढ़ूंगा तब आपको इसके लौकिक और अलौकिक दोनों अर्थ नजर आएंगे क्योंकि ये गीत मेरी साधना के बाद में आ, एक परिणति आई है आप देखेंगे कि इसमें कुछ कुछ समाधि का स्वाद भी आ जाएगा जी वैसे समाधि का वर्णन किया नहीं जा सकता हमें क्या उपलब्ध हुआ है इसका वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि वो अनुभूतियां अभिव्यक्ति में आते ही एकदम झूठी हो जाती है पहले भी मैंने कहा साइनाइट को चक्के बताना बड़ा मुश्किल है जी। लेकिन शायरी और कविता कुछ असंभव काम कर बैठती है जो आपको इस गीत में जी जरूर गगन से लग गई है फिर लगन होने लगा मैं अब मगन बुझने लगी जग की अगन मिलने लगे हैं फिर शगुन फिर फिर, फिर फिर शगुन फिर फिर, फिर शगुन फिर फिर, 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 फिर शगुन, शगुन। ये आपने तीन बार कहा है हाँ। वो इसलिए कहा मैंने मिलने लगे हैं फिर शगुन फिर शगुन फिर, फिर शगुन फिर फिर शगुन फिर इसका मतलब यह है कि पहले मुझे वर्षों तक महीनों तक बहुत दिनों तक पखवाड़े तक शगुन नहीं मिलते थे जी अब मुझे हर क्षण में हर पल में मुझे कोई शगुन मिलने लगा है ये जो आनंद का प्राकट्य है इसकी अनुभूतियाँ है मैं गीत को गा के सुनाता हूँ कविता जी आपको अच्छा लगेगा देखिए क्या कहना चाहता है मेरा कवि इसमें गगन से लग गई है फिर लगन आप इसमें स्वरों का गुम्फन भी देखेंगे इसमें भाव भंगिमाएं देखेंगे जो म्यूजिक के लोग हैं उसमें रिदम और लय भी देखेंगे कि लिरिक्स के साथ कंपोजिशन का धुन उन संवेगों को अभिव्यक्त करता है जो मेरे भीतरी जीवन में बाहर आना चाहते चूंकि एक साधना का गीत है जब आपकी साधना पूरी पक जाती है तब शायद इस तरह के गीतों का सृजन होता होगा मैं गीत का फिर एक बार आपको ध्यान ले चलता हूँ गगन से लग गई है फिर लगन होने लगा मैं अब मगन अगर रहते? आप पृथ्वी से ही जुड़े रहेंगे ना तो मगन नहीं हो सकते दो चार घंटे मगन हो सकते फिर आपका कनेक्शन टूट जाएगा लेकिन आपकी चेतना उर्ध की ओर बढ़ गई है तो ये पंक्तियां बार बार आएगी गगन से लग गई है फिर लगन होने लगा मैं अब मगन जी। बुझने लगी जग की अगन बुझने लगी जग की अगन मिलने लगे हैं फिर शगुन फिर फिर शगुन फिर शगुन फिर फिर शगुन आप देखिए भीतर के साज बजने लगते हैं कविता जी।, जी। जब भीतर का सौंदर्य बाहर उजागर होता है आय हाय मस्ती का आलम छा जाता है जी 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 तो अब मैं इसकी थोड़ी सी बात बताऊं गगन से लग गई या फिर लगन का मतलब हुआ कि अब मैं उस खोज में निरंतर आगे बढ़ रहा हूं जिसकी खोज मुझे थी मैंने पृथ्वी पर बहुत सारी खोजें की मुझे सुकून नहीं मिला होने लगा मैं अब मगन मस्ती का प्रमाण क्या है बुझने लगी जग की अगन अब मुझे इस समाज की परिस्थिति का व्यक्ति और स्थान और परिस्थिति अब मुझे प्रभावित नहीं करता मुझे खास तौर से अब पीड़ा नहीं पहुंचाता जबकि पहले छोटे छोटे आघात मुझे परेशान कर देते जी, 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 मिलने लगे हैं फिर शगुन फिर फिर अब बात कितने बरसों पहले ये गीत लिखा क्या मैंने कभी सोचा कि ऐसे शगुन के पल आएंगे जहां मैं इतने बड़े एपिसोड में अपने इस गीत की प्रस्तुति देंगे और ये ऐसे विश्व के लोगों तक पहुँचेगा जहाँ मैंने जी, नहीं की थी। जहाँ से कह रहा हूँ मैं वहाँ शायद ना तुम पहुँचे वहाँ ही गंध ऐसी है कि नासा, कि नासा पुट नहीं, नहीं खुलते नासा पुट बताऊंगा कि, कि उसका रथ चले धीमा कि शायद सुन नहीं पाओ कि ऐसा गीत वो गाता कि तुम दोहरा नहीं पाओ यहाँ मैं एक सेकेंड इसलिए रोका कि यहाँ इसमें दो तीन शब्द हैं एक बोलने में गड़बड़ हो जावे वो जहां स्थान का अर्थ है जहां तो संसार हो जाता है। अब आप देखिएगा पंक्तियां, जहां से कह रहा हूं मैं वहां शायद न तुम पहुंचे अब यह मैं की व्याख्या और तुम की व्याख्या करनी पड़े हमारी इस शरीर में दो जॉइंट चीजें हैं। पहले भी मैंने कहा था एक आत्मा और जीव दोनों मिक्स हैं इसमें आत्मा न तो जन्मता है न मरता है आत्मा न जन्म लेता है न मरता है ये जीव जो है जन्म लेता और मरता है और जीव छोटे से बड़ा होता आत्मा न छोटा होता न बड़ा होता तो अब मैं क्या कह रहा हूँ जहां जिस गौरी शंकर से मैं ये घटना कह रहा हूँ जिस गौरी शंकर से ये अनुभूतियां मैं आप तक पहुंचा रहा हूं उसकी पंक्तियां है जहां से कह रहा हूं मैं वहां शायद न तुम पहुंचे कभी अपने आप से बात कर रहा या मैं शब्द का प्रयोग उस परम सत्ता शिव सत्ता से हुआ है जिसके साथ तुम शब्द का प्रयोग किया वो जीव है इस एक ही संगठन में वो रह रहा है लेकिन शिव की स्थिति अलग है और जीव की स्थिति अलग है मेरे ख्याल से जी, आपको कुछ अच्छा लग जी, रहा जी, होगा। बहुत अच्छा। जहाँ से कह रहा हूँ मैं वहाँ शायद न तुम पहुँचे वहाँ की गंध ऐसी है कि पुट नहीं, नहीं, नहीं खुलते जैसे किसी सुगंध को लेने के लिए इस देह के दो नासिका के छिद्र होते हैं वो किसी गंध को लेते हैं ऐसे तीसरे एक थर्ड आई वाले जो निराकार ब्रह्म है उसके भी एक नासिका होती है जी। उसके छिद्र दुखाई दिखाई नहीं देते लेकिन वो सुगंध अनुभूति में जरूर आती है जी। कि ना सा पुट नहीं खुलते कि उसका रथ चले धीमा कि शायद सुन नहीं पाओ जब वो साधना के क्षेत्र में वो साधक उतरता है तो वो एक रथ पर सवार होता है जिसकी आवाज नहीं आती इसी को ज्ञान में इंद्रियातीत अनुभव कहा जहाँ पांच ज्ञानेंद्रिय और पांच कर्मेंद्रियों से ऊपर उठ के हम अतिय सुख के झूले में निरंतर झूलते रहते कविता जी वो अनुभूतिया इसमें गाय कि उसका रथ चले धीमा कि शायद सुन नहीं पाओ कि ऐसा गीत वो गाता कि तुम दोहरा नहीं पाओ गगन से हाँ गगन से हो गगन से लग गई है फिर लगन जी 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 मुझे लगता है कि जहाँ तक ये कविता आपने एक ज्ञान के माध्यम से इसको बढ़िया बात कही बढ़िया बात कही जी जी ये सच में ये भक्ति मार्ग से ऊपर का गीत भक्ति के गर्भ में ही ज्ञान का जन्म होता है ये मेरे मेरी साधना जीवन का सर्वोच्च गीत है जी इसके जी। आगे के शब्द में आएंगे कि ये कितना संपन्न गीत है और मैंने इस गीत को क्या प्रतीक दिया है ये रहस्य गीत के अंत में खुलेगा दूसरा बंद लीजिए हल्का हो गया मेरा बदन अब भार नहीं लगता एक बार इसको आप वापस स्वाद लेके इस पंक्ति को पढ़ो हल्का हो, हो, गया हो गया मेरा, मेरा बदन, बदन अब भार, भार नहीं लगता, लगता कि आंखें हो गई अब शांत शीतल रात भर जगता विरह में नैन यू बरसे कि बोने हो गए बादल घुटन अब अब धुल गई दिल, दिल की, 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 की बज, बज गई बताऊंगा एक वाद्य होता है। पहले इस गीत को गाते हैं आपको मजा आएगा हल्का हो गया मेरा बदन अब भार नहीं लगता। जी जी आपका शरीर वजनदार कब लगता है मस्तिष्क भारी कब लगता है जब हमारा शरीर और मन दोनों थके हुए ध्यान लेकिन अगर आप साइलेंस में चले जाए आप डीप साइलेंस में चले जाएंगे तो साइलेंस आपके शरीर और मन की थकावट को दूर कर देता है ये महावाक्य भी है ज्ञान जी, का। जी, तो जी। हल्का हो गया मेरा बदन अब भार नहीं लगता कविता जी अब तो आभार लगता मैं इतना हल्का हो गया हूं कि आप किसी भी कर्म के उस रथ में मुझे ज्योति मुझे बड़ा उल्लास होता है एक भीगी हुई रुई नहीं उड़ सकती लेकिन एक सूखी हुई रुई फूक देते उड़ जाती जी। शरीर को इतना हल्का बना आप अहम से और देह भान से जब आप ऊपर उठ जाते हैं तो ये ये शरीर प्रभु मंदिर की तरह लगता हल्का हो गया मेरा बदन अब भार नहीं लगता रे आंखें हो गई अब शांत शीतल रात भर जगता आप मुझे पूछेंगे आंखें शांत और शीतल कैसे होती है जी। जैसे सच्चा सफाई और स्वच्छता में भी फर्क है स्वच्छ और स्वच्छता में भी फर्क है, हुँ। है? हुँ। तो मैं यहां बता रहा हूं कि किस तरह से हमारे अंतकरण को हम शुद्ध करें शांत और शीतल क्योंकि आंखें शांत तो सबकी है शीतल नहीं है शांत और शीतल में इतना ही फर्क है जितना पानी और बर्फ में फर्क आंखें हो गई अब शांत शीतल रात भर जगता आपका अगला प्रश्न शायद इसमें आए बिर रथ पाऊं की पंक्ति आ गई है शायद हमारे पहले अच्छा इसमें क्या है जरा थोड़ा संकेत रात भर जगता बिरा में बिर मैंने बरसे की बोने हो गए बादल जब मैं सेल्फ की खोज कर रहा था और प्रभु कहाँ है इसको मैं बाहर खोज रहा था नहीं, नहीं, नहीं। तब मुझे पता चला कविता जी कि मैं जिसे बाहर खोज रहा हूँ वो तो भीतर ही है तो जब मुझे पता चला भर से बोने हो गए बादल घुटन अब धुल गई दिल की हृदय की बज उठी मांदल मांदल एक हमारे राजस्थान में एक वाद्य होता है ऐसे चमड़े का जिसपे को भजनों में ये निर्गुणी लोग गाते उसको ऐसे यू पंप करके बजाया जाता है उसकी साउंड बहुत दूर तक आती है वो निराकार ब्रह्म का और नाद का एक बहुत बड़ा सृजन कराती है इसलिए मैंने यह मांदल शब्द का प्रयोग है की बज उठी गगन 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 से गगन से से लग गई मानल गयी लगन बहुत अच्छा तीसरा बंद लीजिए जी।, जी जरूर नज़ारे देखने का नज़ारे देखने का जश्न 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 बोलिए नजारे देखने का, का जश्न अच्छा फिर से अब फिर से अब शुरू होगा कितने जन्म, जन्म अब तक क्यों बिगड़े क्यूँ बिगाड़े दुख, दुख क्यों आगे और ले लो जल्दी पानी और, और पत्थर, पत्थर ने मुझे बर्बाद कर डाला मेरी श्वास फसलों पर पड़ा, पर पड़ा। जब, जब लोग लोग का अब आपको पता चल गया जब जीव में लोभ लग जाता ना लोभ जग जाता है तो उसकी यात्रा गलत दिशा में चलती फिर वो वस्तुओं के संसार में इतना भटक जाता है कि जो चैतन्य है जिसके लिए देह मिली है उससे छूट जाता है रोटी बदल जाता एक बंद में गा करके इसको बताता हूँ नजारे देखने नजारे, नजारे कहते दृश्य को एक अर्थ होता नजारे। नहीं जाना अपनी जगह टिका रहना नजारे देखने का जश्न फिर से अब शुरू होगा इतने जन्म अब तक क्यों बिगाड़े दुख क्यों भोगा ये मेरे पिछले जन्मों का वा? कि पानी और पत्थर ने मुझे बर्बाद कर डाला मैं मूर्ति पूजा में और नदियों में तीर्थों के स्थान में ही खत्म हो गया और मुझे परमात्मा नहीं मिला हमारे ज्ञान मार्ग में बाबा भी यही कहते हैं कि वो जो कुछ है अंदर है उस विकारी देह में नहीं मिलेगा जब तक हम इसको प्योर नहीं करेंगे पानी और पत्थर ने मुझे बर्बाद कर डाला कि मेरी श्वास फसलों पर पड़ा जब लोभ का पाला गगन से हाँ गगन से हो गगन से समझ में आया थोड़ा सा जी जरूर हमारे जल। जल। जब तक श्वासों में ही लोभ आ गया तो मैं इन श्वासों से परमात्मा को कैसे पाऊंगा वो तो परमात्मा बाहर नहीं भीतर ही है कविता कोई इतनी कठिन भी नहीं है जब गाकर के गाई जाती है तो श्रोता के में ऐसा उतर जाती है जैसे गंगा का अवतरण होता हो अगला बंद लीजिए कविता जी।, जी एक तमन्ना शेष मेरी हाँ। अनकहे को मैं सुना वाह क्या बात है अन कहे हाँ, जो कहा नहीं जा सकता मैं उसको, उसको भी कहने भी सुना की सुना कोशिश कर रहा हूँ मेरी एक ही इच्छा एक तमन्ना शेष मेरी अन कहे को, को मैं सुना दू, सुना दू।, दू। आगे बोल। जन्म से उपलब्ध सिद्धि को जरा फिर से मैं यहाँ प्रश्न करना कभी एक जन्म की साधना नहीं आप मुझे पहले भी पूछ चुकी है कि आप कवि कैसे बने कवि बनने से नहीं होता कविता जी कवि तो जन्म से पैदा होता है जन्म की साधना के बाद ये सिद्धि मुझे इस जन्म में मिली यह अनुभूति होती मैं गीत को गा के पढ़ता हूँ आपको समझ में क्या है पहली आमन्ना देखिएगा तमन्ना शब्द दो से बना तन और मन से जी तमन्ना हमेशा जीवित व्यक्ति में ही होगी आज तक आपने किसी डेड बॉडी की तमन्ना देखी है कोई मुर्दा कहता है आपको कि मेरी ये इच्छा है कि आप मुझे इस तरह से शव यात्रा में ले जाओ नहीं जीवित आ तो तन और मन जब मिलते हैं तो तमन्ना शब्द होता है बड़ी अच्छी व्याख्या एक तमन्ना शेष मेरी अन कहे को मैं सुना मेरी एक ही इच्छा है कि जो नहीं कहा जा सकता श्रोताओं आप तक पहुंचा रहा हूं एक अनकहे को मैं सुना दू जन्म से उपलब्ध सिद्धि को जरा फिर से भुना दू और पंक्तियां देखिए भुना दू मतलब कैश कर लो हाँ मैं उस उसको भुनाता हूँ आप किसी चीज को अब कैश कर रहा हूँ मेरे पास कोई सिद्धि है अब मैं उसको प्रयोग में ला रहा हूँ मैंने अगर योग किया है तो अब मैं उसको प्रयोग में ला रहा हूँ ज्ञान को भी जब तक हम शस्त्र नहीं बनाएंगे ना ज्ञान का कोई उपयोग नहीं ज्ञान हथियार में बदलना चाहिए आपको ज्ञान है आप उसका उपयोग नहीं करते हैं किस काम का परिस्थितियों और स्थितियों में ज्ञान का प्रयोग होना चाहिए आगे बढ़िए आगे है भीड़ में बाजार में एकांत पैदा कर दिखा दू दो अगर थोड़ा समर्पण फिर नहीं गीता सुना दो सुना दो। अब आपको ये बड़ी बारीक बात है आपने इसमें गीता का शब्द लिया हाँ। साथ ही साथ एक समर्पण हाँ। दो अगर थोड़ा समर्पण मतलब जिसको आप सुनाएंगे वो सुनने का रखे हाँ 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 यही 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 अगर वो बॉडी से वह बैठा है और मुझे सुन नहीं रहा है तो ये इतनी बड़ी बारीक बात है बड़ी महीन बात है ज्ञान की देखिए इसका पहले पहली, पहली लाइन वापस बोलिए मैं गा एक तमन्ना एक तमन्ना शेष मेरी अनकहे को मैं सुना दू क्लियर जन्म से उपलब्ध सिद्धि को जरा फिर से भुना दू ये भी क्लियर अब थोड़ा टेढ़ा मार्ग है भीड़ में बाजार में भीड़ में बाजार में कांत पैदा कर दिखा दूं दो अगर थोड़ा समर्पण फिर नई गीता सुना दूं क्लियर हो गया जी, होगा जी, 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 मैं वो व्यक्ति हूं जो हिमालय पे नहीं जाता बाजार में हिमालय खड़ा कर जी, देता हूँ इन विपरीत परिस्थितियों में मुस्कुराता रहता हूँ लेकिन मुझे श्रोता का थोड़ा सा समर्पण चाहिए मेरे प्रति थोड़ा सा उनका एक श्रद्धा का भाव आए तो इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ और फिर नई गीता सुना दू मैं मैं गीता नई नहीं, नहीं लिख रहा हूँ मैं सिर्फ ये लिख रहा हूँ जो गीता के संदर्भ में सबसे बड़ी त्रुटि हुई कि गीता का भगवान हमने कृष्ण को मान लिया है जबकि वो निराकार शिव बाबा शब्द का प्रयोग शिव के, के लिए नहीं हुआ ये ये इसकी तो ये हम परमात्मा की तरफ भी ले जा सकते जी परमात्मा तो... की तरफ भी नहीं ये गीत ही परमात्मा की तरफ है जिसमें भी का प्रयोग नहीं हो सकता छोटे बच्चे अगर ये सुनेंगे तो गगन से लग गई का अर्थ हो सकता है अपनी डेस्टिनी अपने जो एग्जाम दे रहा है वहाँ भी गगन है उसके लिए वो बोर्ड के एग्जामिनेशन में यूनिवर्सिटी में किसी कंपटीशन में वो भी गगन लेकिन ये साधकों के लिए गीत अगला लीजिएगा जल्दी आगे है सारा खजाना आज मैंने फिर तुम्हें सौंपा जगत अब तक लगा मुझको पढ़ा जीव आँख, आँख में गोपा आगे जल्दी लो पड़ा जी आंख में गोपा सदगुरु ने गर्म वाफा लगाया आंख पर, पर मेरे उन्दी नींद फिर जागी नशीले सपन फिर तेरे कि मुझको फिर मेरी पहचान का अब, अब गीला होगा तुमने गीत, गीत मेरा सुन लिया बस दिल, दिल हिला होगा कविता जी अगर ऊपर के तीन छंदों की व्याख्या की है ना तो मेरी गारंटी है अंतिम छंद को केवल गा के बताऊंगा और आपको सारे अर्थ समझ में आ जाएंगे ये इस गीत की ब्यूटी है देखिएगा अंतिम शब्द है सारा खजाना आज मैंने फिर तुम्हें सौंपा अब यहाँ मैंने शब्द परमात्मा का भगवान ने मुझे इस एक गीत में मुझे सारे खजाने दे दिए जितने खजाने हैं साइलेंस के खजाने हैं प्रसन्न चित्त मुझे पूरा वर्षा मिला है इस गीत में इसलिए निवेदन कर रहा हूं सारा खजाना आज मैंने फिर तुम्हें सौंपा अगर परमात्मा ने मुझे इस गीत में खजाना दिया है तो मेरे पास जो कुछ मणि रत्न थे आज मैं ऑडियंस को मेरे श्रोताओं को मैं खुद गिफ्ट कर रहा हूं सारा खजाना आज मैंने फिर तुम्हें सौंपा अब सुनिएगा जगत अब तक लगा मुझको पड़ा जो आँख में गोपा ये शब्द राजस्थानी का गोपा कहते अपनी ही अंगुली से जब अपनी आँख में कभी चोट पड़ जाती हो सकता आपके इंजरी हो ही होगी तो पूरी बॉडी तिल में ला लाती तो ये मुझे जगत कैसा लगा बार बार जग से मुझे दुख और पीड़ा ही मिली इस जगत में सुख है ही नहीं Mm -hmm. सारा खजाना आज मैंने फिर तुम्हें सौंपा जगत अब तक लगा मुझको पड़ा जो आंख में गोपा पंक्तियां सुनिए सदगुरु ने गरम बाफा ये दीक्षा ये सात साप्ताहिक oh, अच्छा। पाठ्यक्रम हाँ ये बाफा है अब मुझे जी. जगत से हटाया सदगुरु ने गरम बाफा लगाया आंख पर मेरे कौन सी आंख पर तीसरी आंख पर कि मैं आत्मा सदगुरु ने गरम बाफा लगाया आंख पर मेरे परिवर्तन क्या हुआ उन्हीं नींद फिर जागी और मैं देह में हूं मैं देह हूं शरीर और शरीर की इंद्रियों पे हूं ये हट गया ये भाव मेरा ये उन्हीं दी नींद थी ये मूर्छा की नींद थी कि मैं बॉडी कॉन्शियस था अब नशीले सपन क्या है कि मैं सतयुग की तैयारी कर रहा हूं जी। दी नींद फिर जागी नशीले सपन फिर तेरे ये सूफियाना अंदाज देखे कि मुझको फिर मेरी पहचान का क्या अब गिला होगा रे तुमने गीत मेरा सुन लिया बस दिल हिला होगा अब मैं थोड़ा सा रुका ना यार तब महसूस हुआ होगा कि आपके दिल भी है जी 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 जरूर तुम्हारा दिल हिला होगा गगन से लग गई है फिर लगन होने लगा मैं अब मगन बुझने लगी जग की अगन मिलने लगे हैं फिर शगुन फिर फिर, फिर, फिर शगुन बहुत अच्छा फिर फिर जी 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 जी, जी अब इस पर आपका कोई शेष प्रश्न जी हो, आपने एक भाफा और आ, जो आक, मतलब ये आपने देह और हाँ, आत्मा का ये किस तरह से मैं बताता हूँ मैं बताता हूँ बहुत बढ़िया प्रश्न है और इसमें ज्ञान की महीन बात है मैं अब तक जगत में बहुत चोटें खा चुका बहुत तकलीफे क्योंकि ईगो था मेरी कुछ इच्छाएं थी कामनाएं थी जब ये पूरी नहीं होती थी तो मुझे क्रोध आता था और क्रोध ने मेरे पूरे शरीर का जो इनर सर्कल है जो स्ट्रक्चर है उसे डिस्टर्ब कर दिया मैं बीच में बहुत परेशान रहता था क्योंकि मुझे दूसरों से बड़ी अपेक्षाएं थी धीरे-धीरे ज्ञान में आने के बाद मैंने जब इसको छोड़ा तो जगत मुझको ऐसा लगा जैसे आंख में चोट पड़ी तो कुछ पुण्य उदय कहते हैं ना जब यज्ञ जप हवन तप पूरे हो जाते हैं ना कविता जी तब व्यक्ति के भाग्य उद्दित होते हैं तो बाबा उसको ज्ञान में किसी को भी निमित्त बना के लाता है आज इक्कीस बरस मुझे भी हो गए हैं मुझे लगता है इक्कीस जन्म हो गए हैं तिरसठ जन्मों की तैयारी है अब तो किसी से आंसर पूछने की जरूरत नहीं है बाबा टचिंग ही ऐसे देता है तभी तो ऐसे गीत निकलते हैं तो गरम बाफा लगाया आंख पर मैं मैंने ये हमारे यहाँ ये रेमेडी है एक कपड़ा लेकर के हम अपनी बाप छोड़ के आंख पे लगाते जी, जी, मुझे ये ज्ञान और पाठ्यक्रम सात दिन का ये बाफा फिर मेरी उ नींदी नींद जागी अरे मैं कहाँ जा रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ मैं कौन हूँ मैं कहाँ आया हूँ मुझे क्या करना धीरे धीरे अमृत वेला बढ़ा मुरली और ज्ञान के चारों हमारे ज्ञान के चारों भाग पुरुषार्थ के मुझे ज्ञान योग धारणा सेवा इन पर भी अलग अलग गीत हम कभी चर्चा करेंगे क्योंकि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ मैं बहुत गरिष्ठ रूप में ज्ञान का वो ये डायस भी नहीं है लेकिन एक झलक आपको हमने दिखाई कि हम सिविल में भले ही रहते हैं लेकिन क्राइम ब्रांच के हैं है तो कहीं न कहीं योगी राज ही तो जी 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 आपका ये बहुत अच्छा प्रश्न आपकी शिक्षा से मुझे भी ये लगा कि मैं मेरा मुझे ये सब हमको अपने इस देह से निकाल मैं एक आत्मा स्वरूप हूँ और उस परमात्मा की शरण में हूँ मुझे उसकी... और मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे मैं जब से बाबा का बच्चा बनाऊ सर्व प्राप्तियों का खजाना मुझे मिल गया है बार बार बा, बाबा पे क्यों संदेह होता है जी, जी, मैं क्यों करता भाव में आ जाता हूँ मुझे तो सेवा में बहते रहना है और एक शेर से मैं इस बात को समाप्त करता हूँ कि लबों पर मोहर खामोशी हम बहुत चुप रहते हैं ब्रह्मा को ज्ञान में आने के बाद कम बोलता हूँ मीठा बोलता हूँ एक आप बताओ क्या है हमारा गुण कम बोलो मीठा बोलो मीठा बोलो, बोलो। ओ, धीरे बोलो धीरे जी, जी। बोलो मुझे स्वर में जब गीत को कभी लाना पड़ता है ना तो आप जानते हो मैं म्यूज किया मैंने चौदह वर्ष क्लासिकल का तानपुरा लेके स्वर का अभ्यास मैंने पहले का तो कहीं ना कहीं शब्द और स्वर का मणिकांचन योग तो आएगा तो मैं आपको ईशा और सच्ची पोइट्री बाबा क्या कहता है शब्द से शब्द के बीच के अंतराल में

तो लबों पर मोहर खामोशी दिलों में याद करते हैं तेरे सादिक भी मौला कभी फरियाद करते क्या बात है। मैंने कभी आपसे चाहा कि आप मेरे को एपिसोड में लाइए बाबा की रचना है हम इस लीला के पार्ट धारी हैं आपने एक बेहतरीन गीत से मुझे कुछ गुनगुनाने का मौका दिया मैं सोचता हूँ कविता जी सच में मेरी जितनी कविताएं हैं उसका सर्वोच्च कोहिनूर मैंने आज आपको प्रस्तुत किया जी, मेरे लिए महारानी विक्टोरिया के पास जो कोहिनूर है अगर कोई मुझे पूछे व्यास जी कविताओं में निधि के नाम पे आपके पास सर्वोच्च गीत क्या है तो मैं कहूँगा गुरु शिखर गीत है गौरी शंकर का गीत है मेरी ऊंचाइयों और गहराइयों का अगर कोई गीत है और मैंने अब तक अभी कुछ लिखा है हुँ, 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 इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है इसके अतिरिक्त मेरे ख्याल से आपका कुछ बचा नहीं होगा जी बिल्कुल जी, जी। आज इस कविता से भी हमारे सभी क्वेश्चन जो हैं वो सारे आंसर में निकल गए हैं आपने ये कविता हमें एक परमात्मा की तरफ लेके गए जी आपका बहुत अंतर यात्रा जी, जी जी आपका बहुत बहुत ये यात्रा का गीत है ही नहीं और ये अगर जिन्होंने सुना उच्च साधकों के लिए उनके कहीं प्रश्न अगर लग रहे हो तो इसके जरिए आंसर ढूंढ सकते हैं क्योंकि ये भी मुझे बाबा का प्रसाद के रूप में लिखा इस गीत को लिखने का प्रयास मैंने नहीं किया उतरा है है। अमृत का गीत जी, है। जी। आपने सुना और सराहा मैं आपका आपका धन्यवाद धन्यवाद चाहता जी, बहुत बहुत मित्रों सुना आपने गगन से लग गई लगन मैंने इसका अर्थ कुछ और ही समझा था जब मैं इसको पढ़ रही थी लेकिन जब इसके व्याख्या व्यास जी ने की मुझे अलग ही सुनने को मिला हमें परमात्मा से किस तरह से लगन में रहना है सच्चाई सफाई और ईमानदारी हम परमात्मा के साथ रहेंगे वो भी हमारे साथ खुद चलकर हमारे साथ हमारे सत्य मार्ग के पथ पर चलेगा हमें हमें हमेशा अपने आप को एक एक ने कहा कि हमें आत्मा परमात्मा को याद करना है अपने हर दिल के बाद परमात्मा को बतानी है इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है अगली कविता हम नई लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे तब तक के लिए दीजिए इजाजत नमस्कार शांति